यूपी के मेनपुरी में स्वर्ण व्यवसायी सर्वेश कुमार को गोली मारकर लूट का मामला। पुलिस ने लूट के मामले का किया खुलासा। तीन आरोपी सहित पांच लोगों को किया गिरफ्तार। दरअसल पूरे मामले के अनुसार जनपद मेनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी सर्वेश कुमार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वही घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल शरीफा कारोबारी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनको सैफई इलाज के लिए भेज दिया गया था। इस पूरी घटना का मेनपुरी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि तीन मुख्य आरोपी सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें दो वो लोग है जिन्होंने लूट किए हुए माल को खरीदा था। वही पुलिस ने सभी बदमाशों से लूट के माल समेत एक अवैध असलाह भी बरामद किया है। पेश है मेनपुरी के संवाददाता आशीष सक्सेना की खास रिपोर्ट। जनपद मेनपुर में 24 मई को सर्वेश पाल एक ज्वेलर को गोली मार के लूट करके ले गए थे। इसमें काफ़ी दिन से हमारा टीम लगी रही थी। उसके बाद बोगांव में भी एक ज्वेलर को हत्या करके और लूट के चले गए थे। हम सोच रहे थे इन दोनों में कुछ कॉमन गैंग है, तब भी अभी ये पता चल रहा है कि दोनों में अलग अलग गैंग है। बेवर वाला में तो हम लोग गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें तीन लोग प्रकाश में आए थे और तीनों बेवर थाने के रहने वाले थे। इसमें दो अभी फरार चल रहा है, उसमें एक राधे दीक्षित, वो बेवर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इसमें जो माल खरीदा था वो भी सुनारी है, वो फरकाबाद का। उन दोनों बाप बेटा दोनों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो माल जो लूट गई थी उसमें 1 किलो चांदी चली गई थी, उसमें 500 ग्राम से ज़्यादा हम लोग बरामद कर लिया चांदी का, और 110 ग्राम का सोना था, उसमें हम लोग 55 ग्राम अभी बरामद कर लिया गया। बाद में जो दो अभी फरार चल रहे हैं उन लोगों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके बाकी और जो बचा हुआ माल उसको हम लोग रिकवर करेंगे।